खान को यहां पर तलब किया जाए, उसे उन्हें अगवा किया गया है। वो कहा जाता है ना जी ठोस शवाहिद मौजूद हैं, बार बार इस चीज का देखिए हमारे पास तो इसको इसको इसके ऊपर क्यों ना जुडिशियल कमीशन बना जाए, क्यों ना इन लोगों के चेहरे जो है वो दुनिया को दिखाए जाए कि यार ये तो आपको यही कह रहा हूं ना, कैसे डंडे मारे गए, कैसे वकला के ऊपर तशद्दुद किया गया, कैसे हमारे लोगों को अंदर डाला गया है, कैसे उन्हें फेयर ट्रायल नहीं दिया जा रहा, कैसे एक मुकदमे से रिहा होते हैं तो नए मुकदमे में डाल दीजिए। एक बंदा लाहौर में है उसको ऊपर थाना गुलबर्ग में भी पर्चा, सेम टाइम पे मियांवाली में भी वो मतलूब है, सेम टाइम में वो 130 से ज्यादा दरखास्तें सारी अपने पास ही रख ली। क्यों रख ली? क्योंकि उन्हें पता है कि मैंने ये रख ली नहीं है और इनके ऊपर फैसला देना नहीं है। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम, अस्सलाम वालेकुम नाज़रीन। 9 मई के हवाले से DGISPR ने प्रेस कॉन्फ्रेंस करके साफ और वाजिया पैगाम दिया कि जब तक माफ़ी ना मांगी जाए तब तक आगे कोई बात नहीं होगी। इस पर नईम हैदर पंचोता ने कहा कि इनके पास कोई एक एविडेंस नहीं जिसके मुताबिक ये कह सकें कि 9 मई PTI ने किया। नईम हैदर पंचोता ने आज लाइव शो में 9 मई के हवाले से असल किरदारों को भी बेनकाब किया। आए पहले नईम हैदर पंचोता की गुफ्तगू सुनते हैं, फिर इस पर तफसील से बात करते हैं। अभी नहीं था कि वहां पर उस कमरे में जाकर उन्हें कहा जाता कि आप यहाँ पर नवाज शरीफ के लिए एयरपोर्ट पर बायोमेट्रिक जाते हैं। खान साहब को व्हील चेयर के ऊपर लेकर गए, उनकी गाड़ी बाहर खड़ी की गई। आपने देखा यहाँ पर प्रोटोकॉल लगे होते हैं जब समातें होती हैं हाईकोर्ट में, और खान साहब के ऊपर हमला किया गया, वकला के ऊपर हमला किया गया। पुरामन एहतजाज हर शहरी का, अगर आइन के मुताबिक पुरामन एहतजाज नहीं किया जा सकता तो बता दें, और अगर आइन में इजाजत है तो पुरामन एहतजाज लोगों ने किया। कोई एक स्टेटमेंट दिखा दें जिसमें खान साहब ने कहा हो कि इस बिल्डिंग को आग लगा दो, जलाओ करो, घिराव करो। पर उस दिन इस तरह के वाकयात तो हुए ना, पूरी कौम ने देखा, कोटमंडर हाउस जला, GHQ के गेट के ऊपर लोगों ने देखा कि एहतजाज हो रहा है, तो ये तो सब ने देखा एहतजाज हो रहा है। वहां पर आपने यास्मीन, डॉक्टर यास्मीन राशिदा की वीडियो भी देखी होगी जहां पर वो कह रही है कि आपने अंदर नहीं जाना, और अगर 200 बंदा 300 बंदा 400 बंदा अंदर गया है, पहले तो उनकी तशखीस की जाती कि ये कौन है कैमरों के जरिए। 25 मई से जुडिशियल कमीशन बनाने की दरखास्त सुप्रीम कोर्ट में जेरे अल्तवा है, क्यों नहीं जो उसके ऊपर जो है जुडिशियल कमीशन बनाकर तहकीकात करके उसके ऊपर कार्रवाई की जाती। इस्लामाबाद हाई कोर्ट के चीफ जस्टिस ने कहा था कि मुझे बड़ी तकलीफ है जी कि बगला के ऊपर ये जुल्म सितम हुआ, और मैंने कहा कोई बात नहीं, हमारी वर्दियां फटी हैं, खून आया, जो कुछ हुआ है, इमरान खान को यहां पर तलब किया जाए, उसे उन्हें अगवा किया गया है। इस्लामाबाद हाईकोर्ट ने कहा कि गिरफ्तारी जो है वो कानूनी है, लेकिन हमला जो हुआ है उसके ऊपर हम तहकीकात करेंगे, इंक्वायरी करेंगे। इंक्वायरी शुरू की गई, इंक्वायरी फिर खुद ही बंद कर दी गई। बात यह है कि इमरान खान साहब ने कभी आज तक ये नहीं कहा कि मैं किसी इदारे के खिलाफ हूँ, मैं फौज के खिलाफ हूँ, मैं पाकिस्तान के खिलाफ हूँ। इमरान खान की सारी ज़िंदगी की जो फाइट है वो रूल ऑफ लॉ के लिए, मुल्क के अंदर खुशहाली के लिए, मुल्क को आगे ले जाने के लिए। दूसरे नंबर पर बात यह है कि जो ये लगाया जाता है कि कहीं इन्होंने कहा है, कोई ऐसी एविडेंस नहीं है, हम तो बार बार कह रहे हैं कि कोई ऐसी एविडेंस लेकर आ जाए जो खान साहब ने कुछ ऐसा कहा हो। तीसरी बात यह है, वो कहा जाता है ना जी ठोस शवाहिद मौजूद हैं, बार बार इस चीज़ का देखिए हमारे पास तो ठोस शवाहिद मौजूद हैं कि कैसे उनको अगवा किया गया, कैसे डंडे मारे गए, कैसे वकला के ऊपर तशद्दुद किया गया, कैसे हमारे लोगों को अंदर डाला गया है, कैसे उन्हें फेयर ट्रायल नहीं दिया जा रहा, कैसे एक मुकदमे से रिहा होते हैं तो नए मुकदमे में डाल दिया जाता है, कैसे लोगों को अगवा करके प्रेस कॉन्फ्रेंस करवाई जा रही है। तो ये सारी सूरत हाल आपके सामने, और फिर आप ये कहें कि इनका कसूर है, ये कसूरवार है, अदालतों में मामला चल रहा है, और अदालत अगर एक का फैसला देखे ना, इस्लामाबाद डिस्ट्रिक्ट कोर्ट में एक जज हैं, उन्होंने फैसला दिया, उन्होंने कहा जी कि बिहाइंड द बार कोई ऐसे शवाहिद नहीं मिलते, कोई ना उनके पास कोई फोन की एक्सेस थी, तो कैसे आप ये कह सकते हैं कि इस बंदे के इमाम के ऊपर इसने फोन किया हो कि ये आप जाकर जलाओ घिराव करो, और ये वो बगैर तौर पर जमानत कन्फर्म करते हुए 9 मई के हवाले से उसने फैसले के अंदर लिखा है कि कोई ऐसी एविडेंस नहीं है। दूसरी ये चीज है कि जो सुप्रीम कोर्ट में हुई है, तो जब एक जगह के ऊपर बैठा हुआ बंदा वो ड्यूटी परफॉर्म नहीं कर सकता, तो मैं ये समझता हूं कि उसको ओहदे से इस्तीफा देना चाहिए और घर जाना चाहिए। पर ये मसला तो देखें उनकी जात का तो नहीं, ये तो इदारे का मसला है ना, यहाँ पे बात हो रही है कि जो इदारे में इंटरफेरेंस हो रही है। देखें इदारे में इंटरफेरेंस की बात हुई है तो जो जजेस जाकर मिले हैं, ठीक है जी, वो इस बात की इंडोर्समेंट कर रहे हैं कि उनके उनके साथ ये हुआ। इसी तरह से वो जजेस जब चीफ के पास गए तो उन्होंने उस वक्त सुनवाई नहीं की जो इस्लामाबाद हाईकोर्ट की चीफ जस्टिस आमिर फारूक हैं, और अताब बंदयाल साहब के पास भी वो गए, अताब बंदयाल साहब के पास गए, उन्होंने भी कोई नहीं देखा। तो ये कौन देगा फिर इंसाफ? इस वक्त टाइम ये है कि जजेस के साथ खड़े होने का टाइम है, और अगर ये पूरी कौम और ये जजेस सारे आपस में इत्तेहाद करके खड़े हो जाएं तो फिर मैं समझता हूं कि कुछ सिस्टम में बेहतरी आ सकती है, अदरवाइज ऐसे ही यरगमाल बनाकर व्हाट्सएप के जरिए फैसले लिए जाएंगे। और दूसरा ये ना कि सियासी जमातों का भी इसमें किरदार है, फैसला आपके हक में आए तो वो बहुत अच्छे हैं, आपके खिलाफ आए तो आप सोशल मीडिया पर उनको खुदा न खास्ता दुश्नाम तराजी करें, ये भी देखें ना, ये भी एक चीज है जिसको सोचने की जरूरत है। सियासी जमातों को बिल्कुल पॉजिटिव रोल अदा करना चाहिए। जदून साहब, अब ये जो मसला है 9 मई का, इसमें एक सियासी बयानिया भी है, यहाँ पे आज DGISPR साहब ने कहा
और बड़ी माकूल बात की कि यह पूरे पाकिस्तान का मुकदमा है। अगर हमारे किसी भी इदारे के ऊपर हमला होता है तो यह नहीं है कि पाकिस्तानी कौम कहेगी कि जनाब यह दुरुस्त हुआ है, लेकिन इसको जिस तरीके से सियासी मकासद के लिए इस्तेमाल किया गया कि एक बंदा लाहौर में है उसके ऊपर थाना गुलबर्ग में भी पर्चा है, सेम टाइम पे मियांवाली में भी वो मतलूब है, सेम टाइम में वो पिंडी में भी मतलूब है, तो जिन लोगों ने इसको सियासी मकासद के लिए इस्तेमाल किया, इसके ऊपर सियासी बयानियां बनाया, उसकी वजह से इस सारे केस को नुकसान पहुंचा है। आप एग्री करते हैं इससे? नहीं, देखें, एक जिस तरह आपने कहा है और DSPR ने कहा है कि ये एक अदारे का मुकदमा नहीं है, पूरे पाकिस्तान का मुकदमा है, तो इसको तो सियासी मकासद के लिए इस्तेमाल नहीं करना चाहिए। अगर जिसने भी किया है तो उसने गलत किया, उसने अपने पूरे केस को ख़राब करने की कोशिश की। देखें ना आप, ये तो इनकी भी कंसेंसस है जी कि जिसने भी 9th में किया है उस प्रोपोर्शन से उसको सजा दें, और आज DSPR ने यही कहा है कि आईन और कानून के मुताबिक सजा दें। तो आईन और कानून तो यही कहता है कि डिस्क्रिमिनेशन ही होनी चाहिए, ये क्रॉस द बोर्ड आप जो सजा देते हैं, अकाउंटेबिलिटी करते हैं, जिसने जितना जुर्म किया है उसको उसके मुताबिक सजा दें। इस पर तो PTI की राय मुख्तलिफ नहीं है, वो तो ये ठीक है, वो तो कहते हैं। अब जहाँ तक इनको एक जुडिशियल कमीशन बनाने के भी उन्होंने ऑफर कर दिए, मैंने उस बात को इंडोर्स किया, उन्होंने कहा जी जुडिशियल कमीशन बनाएं, वो 2014 के जो हालात थे तो नून लीग वालों का मुतालबा है कि 2014 से बनाए। नहीं, वो डिस्क्रिमिनेशन है, अगर आप इधर देखते हैं आते हैं पोलिटिकल करते हैं, आप डिस्क्रिमिनेशन करें, जिस बंदे ने जितना फैंस किया उसको सजा दे, तो क्या जिस बंदे ने 2014 के धरने में जो 9 मई है जी, वो एक बड़ा अनफॉर्चुनेट इंसिडेंट है, मेरा नहीं ख्याल कि पाकिस्तान में कोई भी शख्स इसको बर्दाश्त कर सकता है, तो इसके इसको इसको इसके ऊपर क्यों ना जुडिशियल कमीशन बना जाए, क्यों ना इन लोगों के चेहरे जो है वो दुनिया को दिखाए जाए कि यार ये तो आपको यही कह रहा हूं, मैं सपोर्ट कर रहा हूं कि इसके ऊपर जुडिशियल कमीशन बनाया जाए, और उन्होंने कहा है कि इस पर बनाया जाए कि जी कहते हैं कि एक बंदे ने अगर 10% ऑफेंस किया इसको 100% सजा दे, या इसको पोलिटिकल विक्टिमाइजेशन के लिए या पोलिटिकल इंजीनियरिंग के लिए इस्तेमाल करें, जिस बंदे ने 10% किया है सजा उसको, अगर वीडियो में नजर आ रहा था वो जो भी काम किया उसको सजा करे। अब एक साल तो हो गया, अगर उसने 2 साल आपने सजा देनी थी, 1 साल तो वो गुजार चुका है। देखे ना, अब आप अरेस्ट किया हुआ बंदा एक, तो उसने तो अपना अरेस्ट का टाइम गुजार लिया है, अब उसको सजा को आप कैलकुलेट करें और इस काम को आगे चलाएं। इसमें तो मेरे हाल में आज दिन तक ये नहीं कहा किसी ने कि 9 मई का वाक्य ठीक था, इनको ये करना चाहिए था प्रोटेस्ट। और मैं एक बात वैसे मदरस खान इंडोर्स करता हूँ, इसकी भी TV फुटेज सामने आए जिन लोगों ने किया है, और जो नईम पजोता ने कहा है ना कि हाईकोर्ट की TV फुटेज है वो भी सामने लानी चाहिए, जिस जो भी एजेंसियाँ हैं जो उसके जिम्मेदार हैं वो भी सामने लानी चाहिए। सोशल मीडिया का बार बार जिक्र किया जाता है, इस मुल्क में तो वैसे ही आज़ादी राय के ऊपर इतनी ज़्यादा कदगने हैं, अगर आला अदलिया में भी बैठ के सिर्फ उस चीज़ के ऊपर बार बार इन्फोर्स करेंगे तो मेरे ख्याल में आप लोगों के जो राइट्स हैं उसको कटेल नहीं कर रहे। इस मुल्क में 80 दिन हो गए तकरीबन ट्विटर बंद है, एक्स बंद है, तो ये क्वेश्चन होना चाहिए ना वहाँ पे कि लोगों को तो आज़ादी राय की हालत चाहिए। देखिए, मैं सबसे बड़ा चैंपियन हूँ और मीडिया के साथ में मिशन स्टैंड करता हूँ, और जो मतलब इफेक्ट होते हैं मैं उनका मिशन केस ही प्रेजेंट करता हूँ, लेकिन देखें ना, एक आप इज्जतदार बंदे हैं ना, किसी को राइट नहीं पहुंचता कि आपकी मतलब शलवार उतारे, आपके कपड़े उतारे, आपकी मतलब ऐसी चीजें आपके साथ एट्रीब्यूट करे जो आपने नहीं की। देखिए, फ्रीडम ऑफ एक्सप्रेशन जो है हम सारे उस पर बिलीव करते हैं, लेकिन देखिए आप उसके घर तक ना पहुंचे, उससे देखना उसकी पर्सनलाइज लाइफ, यही तो हम कहते हैं ना फ्रीडम ऑफ एक्सप्रेशन। आप इमरान खान पे तनकीद करें, इमरान खान की जाती जिंदगी में दखल ना दें, ये मेरी जो है ओपिनियन है कि आप फ्रीडम ऑफ एक्सप्रेशन, ये मतलब है। इनकी तरफ से ये हो जाएगी फ्रीडम ऑफ मीडिया, ये मतलब है कि आप सोशल मीडिया पे जिसकी आप सुने ना काजी फैसल के मैं सरीक जान की जर लगाएं वी लाख क्या करता था जब वो रेफरेंस वाइल उनका ये है, ऐसे इनकी वाला नहीं प्रॉपर्टी इनके फिलहाल। अब देखें ना पिछली वीडियो आप लगाए ना सारे लोगों की, आज जो कहते हैं जी मीडिया पर, हम कहते हैं मीडिया पर आज़ादी, मुकम्मल आज़ादी होनी चाहिए मीडिया को, लेकिन जो आपको आइन प्रोटेक्शन देता है उसके मुताबिक उसके मुताबिक जो आपको आज़ादी के साथ जिम्मेदारी भी है, जिम्मेदारी है ना, कोड ऑफ कंडक्ट बहुत जरूरी है ना। आप देखो जिसके पास एक पकड़ा हुआ है मोबाइल, वो YouTube अपनी मर्जी जो मर्जी कहता रहे, ये बड़ा अनफॉर्चुनेट है। अफी साहब, उसके ये इस पॉइंट पे भी अगर आप कुछ ऐड करना चाहें तो जरूर ऐड कीजिएगा। अथर मिनोला साहब ने आज एक इजाफी नोट लिखा जब फैसला वो हुक्मनामा पढ़ के सुना रहे थे पिछली समात का अटॉर्नी जनरल साहब, उसमें अथर मिनोला साहब ने कहा कि ये मेन जो इशू यहाँ पे है वो एग्जेक्टिव का है, इल्ज़ाम एग्जेक्टिव के ऊपर लग रहा है, हुकूमत जवाब दे, हुकूमत आके इसका जवाब दे, क्योंकि अभी तक जो है हमारी रिसेंट आलिया जिसे माजी करीब तक इंटरफेरेंस हो रही थी, तो यहाँ पे मसला अदलिया का नहीं है, यहाँ पे अगर कोई कटहरे में है 6 जज साहिबान नहीं है, एग्जेक्टिव है, उसके ऊपर हमें उतनी तवज्जो नहीं नजर आ रही कि एग्जेक्टिव को बुलाया जाए, उनसे पूछा जाए कि भाई ये इल्ज़ाम है आपके ऊपर। देखें, चीज़ ये है कि अतर इसको अगर ब्रॉडली हम आप देखें कि इसमें कोई दो राय नहीं है कि इंडिपेंडेंस ऑफ जुडिशरी जो है वो एक आपका कॉर्नर स्टोन है कॉन्स्टिट्यूशन का, ठीक है, और इसमें भी कोई दो राय नहीं है कि जुडिशरी इंडिपेंडेंट नहीं है, जुडिशरी ने फैसला करना है कॉन्स्टिट्यूशन के मुताबिक या लॉ के मुताबिक करना है। अब पाकिस्तान के अंदर अनफॉर्चुनेटली पिछले 10-12 साल की जो हिस्ट्री है वो आपके सामने है कि किस तरह हमने बार बार पॉलिटिकल क्वेश्चंस जो हैं वो कोर्ट्स के अंदर लेके गए, वहाँ के ऊपर लाइकिंग या डिसलाइकिंग का एक कॉन्सेप्ट आया, और फिर वही बात आई कि मेरी फेवर के अंदर फैसला है तो मैं कहूँ भले भले, और कल एक फैसला आया है सुप्रीम कोर्ट का जो रिजर्व सीट्स का है। अब आप देखें कि जिसकी फेवर में आ रहा है
वो कह रहा है कॉन्स्टिट्यूशन है, जिसकी फेवर में नहीं आ रहा वो कहता है इस मुल्क में तो आईन ही कोई नहीं है, इस मुल्क में तो अदालतें आईन के मुताबिक काम ही नहीं कर रही हैं। अच्छा, आपकी चैनल से मैं एक प्रपोजल जो है वो ये है कि जिस तरह सुप्रीम कोर्ट के अंदर एक कमेटी बन गई है बेंच मार्किंग के लिए और केस मार्किंग के लिए, अगर तमाम हाई कोर्ट्स के अंदर भी एक ऐसी कमेटी हो, चीफ जस्टिस और दो जो एक सीनियर जज और एक दूसरा जज हो, तीन जजेज हो, तो इससे काफ़ी इंटरफेरेंस कम हो सकती है, क्योंकि असल इशू होता है कि जब आपकी लाइकिंग डिसलाइकिंग का केस आता है तो पावर जो है हाई कोर्ट के अंदर चीफ जस्टिस के पास है। अगर आप ये तरीके इंसाफ भी कंप्लेन करते हैं कि एक ही नहीं, ये होना चाहिए बिल्कुल, उसके लिए देखें सब लोगों के लिए अच्छा है, क्योंकि जरूरी है कि तमाम हाई कोर्ट्स के अंदर भी एक कमेटी बने और केस की डिसलाइकिंग और लाइकिंग के तहत जब मार्किंग होती है तो उससे ज्यादा मसाइल पैदा होते हैं। जो इन्होंने बात की है ना चीफ जस्टिस इस्लामाबाद हाई कोर्ट की, अगर आपने जैसे बात की है तो 130 से ज्यादा दरखास्तें सारी अपने पास ही रख ली। क्यों रख ली? क्योंकि उन्हें पता है कि मैंने ये रख लेनी है और इनके ऊपर फैसला देना नहीं है और फिर रोक देना है, फिर जज भी नहीं अवेलेबल, से ज्यादा सारी दरखास्तें उन्होंने अपने पास रखी और यही वजह है। दूसरे नंबर पर यह है कि एक जज खड़ा होता है तो उसके साथ फिर कोई खड़ा नहीं होता, और यही हमारा आलमिया है कि एक जज जब खड़ा होता है उसके ऊपर हम ये कहते हैं जी ये बड़ा करप्ट आदमी है, इसकी जदादें निकल आई और उसके खिलाफ फिर सोशल मीडिया पे कंपेन चली, सोशल मीडिया के ऊपर उसके खिलाफ सोशल मीडिया पे नहीं चली, और वही अर्ज कर रहा हूं सर, सारे जिम्मेदार साहब अदर मिनल्ला तक आमिर फारूक अता बंदियाल साहब के कौन बख्शा गया है? आज 6 जजेस आप बोल के देखें, आप बोल के देखें तो घंटे बाद आप भी देखें। मैं ये जरूर कहूंगा, ये जरूर कहूंगा कि हमारे दौर के अंदर कोई हमें दिखा दें कि 3MPU के तहत बार बार लोगों को उठाया गया, लोगों के घरों में छापे इस तरह से मारे गए, किसी से पेपर्स छीने गए हों, किसी के साथ अदलिया के ऑर्डर्स को उस तरह फ्रस्ट्रेट नहीं किया गया जो रीसेंट हिस्ट्री में, जो रीसेंट हिस्ट्री में किया गया आपसे सिविलियन का जो नाज़रीन आपने सब मेहमानों की गुफ्तगू सुनी। नईम हैदर पंचोता ने कहा कि अगर ये समझते हैं कि 9 मई हमने किया है तो आज 1 साल होने को है, अभी तक ये कोई सबूत क्यों नहीं ला सके? इस पर अतर काजमी ने कहा कि मगर वो तो कहते हैं कि हमारे पास ठोस शवाहद मौजूद हैं और वक्त आने पर वो शवाहद हम अदालतों में दिखाएंगे। इस पर नईम हैदर पंचोता ने कहा कि ठोस सबूत तो हमारे पास भी मौजूद है कि कैसे हमारे कारकुनान को अगवा किया गया, कैसे इनके कागजात नामजदगी इनसे छीने गए, कैसे इनको घसीटा गया, इन्हें जेलों में बंद किया गया, हमारे पास सब कुछ मौजूद है। अगर इनके पास कोई भी ऐसा एविडेंस है जिसमें इमरान खान ने कहा हो मुक्तदर इदारों पर हमला करें, इस तरह का कोई भी पैगाम इनके पास हो तो वो ये सामने लाएं। इमरान खान तो कहते हैं कि ये मुल्क मेरा है और ये इदारे भी मेरे हैं। हमारी तो जमात का नाम ही इंसाफ पर मबनी है, हम तो कानून की पासदारी पर यकीन रखते हैं। आज जो कुछ अदालतों में हो रहा है वो सब देख रहे हैं, आज तो हमारे जजेस तक महफूज नहीं हैं, वो भी अदालतों से इंसाफ मांगते हुए नज़र आ रहे हैं कि हम पर दबाव डाला जाता है और हमसे अपनी मर्जी के फैसले करवाए जाते हैं। ये हाल इस मुल्क के एक जज का है तो बाकी एक आम आदमी का क्या हाल होगा? नाज़रीन आप आज की गुफ्तगू के बारे में क्या कहना चाहेंगे? आप अपनी राय से हमें ज़रूर आगाह करें। नेक्स्ट वीडियो तक मुझे दें इजाज़त। अल्लाह हाफिज़।